भी शुरू हो गया। कमलकांत जी फिलहाल आ चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें कमलकांत जी के लिए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कमलकांत वशिष्ठ है, जैसा उसने बताया। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, शूलिनी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, और जिसे हाल ही में हिंदुस्तान की नंबर एक टाइम यूनिवर्सिटी नॉमिनेट किया गया है, और वो भी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, मतलब कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग वर्ल्ड की बेस्ट रैंकिंग कंसिडर किया जाती है। जब वो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात होती है, ऑक्सफोर्ड उसमें नंबर वन की, तो हिंदुस्तान में हम सिर्फ अगर पूरी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मिला दिया जाए तो उसमें हम सिर्फ IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, जो कि आइकॉनिक इंडस्ट्री है यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हमारा सेकेंड रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नंबर वन, और वो था सिर्फ रिसर्च के ऊपर। और दूसरा उसका कारण ये था कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में हमेशा नई चीज़ों को इनिशिएटिव को, नया इनिशिएटिव हो कुछ भी हो तो उसको हमेशा से बढ़ावा दिया जाता, और ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमने लिया था। सो 2002 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, और 2012 में मैं अकेडमिक्स में आया। 2002 से 2012 तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया, ठीक ठाक सफल था, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाया शायद जो सोच के आए थे। और मुझे ये समझ में आता था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद हमें समझ में नहीं आ रही है या हमें टीच नहीं की जा रही है, कुछ गैप है इंडस्ट्री के बीच में और सक्सेस के बीच में। मैं देखता था कि बहुत सारे लोग भी सक्सेसफुल शायद नहीं हो पा रहे हैं, इंडस्ट्री भी बुरे दौर से गुजर रही थी उस समय। आपको याद होगा 2011-12 के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिससे कि टेलीविजन इंडस्ट्री में थोड़ा लोगों को डाउट होना स्टार्ट हुआ और परसेप्शन हमारी थोड़ी खराब हुई। तो मुझे समझ में आता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो हमें उस गैप को पूरा करना पड़ेगा। और मुझे ये समझ में आता था कि ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर नहीं आएगी, जैसे जाकिर हुसैन सर ने बताया अभी। मुझे ये समझ में आता था कि एजुकेशन के थ्रू भी इसको हम क्रेडिबिलिटी दिला सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू जो भी चीज जाती है उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है। अगर हम कहीं से किसी भी चीज को हम फॉर्मलाइज कर देते हैं एजुकेशन के थ्रू, तो उसको हमेशा ही एक मान्यता मिलती है, उसको सामाजिक मान्यता मिलती है, उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो हमने लास्ट 2021 में बहुत लंबी लड़ाई की, और आज ये बताने का समय नहीं है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि लंबी लड़ाई लड़ी 2012 से मैं इसको अकेडमिक्स में लाने की कोशिश करता रहा डायरेक्ट सेलिंग को, और 2021 में हमने फर्स्ट टाइम वी सक्सीडेड इन गेटिंग डायरेक्ट सेलिंग इनटू अकेडमिक्स, और हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक कोर्स स्टार्ट किया जो कि अपने तरीके का पहला कोर्स था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड एक इनिशिएटिव था एजुकेशन को लेकर। इससे पहले फ्रांस में डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स था, और हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जो कि रिसर्च सेंटर था, जिसका हमने नाम रखा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन अकेडमिक्स, जो कि अगेन वर्ल्ड में सेकेंड सच सेंटर था। इससे पहले सिर्फ एक रिसर्च सेंटर वर्ल्ड में है, वो है डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन USA में। उसके बाद एशिया का पहला और हिंदुस्तान का पहला और वर्ल्ड का दूसरा रिसर्च सेंटर हमने शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्थापित किया, जिसके अंदर हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। 2 साल हमने उसको रन किया है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, सेकंड बैच हमारा चल रहा है। लेकिन बाद में हमें ये समझ में भी आया कि जो डायरेक्ट सेलर है जो कि काम कर रहा है उसको एजुकेशन तो चाहिए, लेकिन वो एक साल के लिए अपना रिसर्च छोड़ नहीं सकता। तो उसी सोच को लेकर हमें चलते हुए हम प्रोग्रेसिवली सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हमने इसी साल से ऑनलाइन BBA और MBA स्टार्ट किया है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन में और ये एजुकेशन किसी भी तरीके से होगी, हम सही और गलत की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कौन सी स्कीम से अगर डिफरेंशिएट करना हो तो बड़ा टफ है, और जो सीजन डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट सेलर के वो भी नहीं कर पाते, और इसी का फायदा उठाया जाता है, और इसी के फायदे में बहुत सारी फ्रॉडुलेंट कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के काम में काम करती है। तो ये चाहे जितने मर्जी रूल्स बनने से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में होगी लेकिन एलिमिनेट नहीं होगी। तो एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है अवेयरनेस। जब तक एक आदमी एक आम आदमी अवेयर नहीं होगा कि कौन सी कंपनी सही है कौन सी कंपनी गलत है, तब तक
हमेशा डायरेक्ट से लेकर नाम पे फोन होते रहेंगे, डायरेक्ट से लेकर छवि धूमिल होती रहेगी। तो मैं आपको अपने यूनिवर्सिटी का एजुकेशन भी भेजना आया हूँ, एडमिशन भी भेजना आया हूँ। ऑफ कोर्स इफ एनी वन वांट्स टू, उसके लिए डोर्स ओपन है, लेकिन मैं आपको ये भेजने आया हूँ कि मैं ये सपना लेके चलता हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, कम्युनिटी है, सुमेन बच्ची हैं, राहुल जी भी हैं और बहुत सारे दीपक बजाजी, जितने भी जो लाइक माइंडेड प्रोफेसर वासु, हमने नारायण सर यहाँ बैठे हैं, सब लोग हम ये लेके चलते हैं कि हमने डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन के थ्रू एक लोगों में एक सोशल जो एक्सेप्टेंस है वो दिलवानी है। और हम ये सपना लेके चलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हिंदुस्तान की सभी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, आईआईटीज में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एजुकेशन स्टार्ट हो। मेरी हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग सहयोग दें हमारा एजुकेशन के थ्रू इंडस्ट्री को आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।